निदेशक के सामने रहते हुए हम इस बात को आपको आश्वासन देते हैं और आगे आने वाले समय में ये भी संभव है कि हम सारे 22 एम्स की इसके लिए हैंड होल्डिंग करें। आप हमारे साथ निदेशक एनएमबीएल के रूप में आज हैं और जब भी आवश्यकता लगेगी इस कार्य में हम सहयोग करेंगे। आज हमारी कैपेसिटी में 3 एनएबीएल एसेसर है, डॉक्टर विश्वास जो हमारे डीन रिसर्च है, मैं स्वयं और डॉक्टर जयशंकर और अनेक लोग जो एनएबीएल के अन्य एक्रेडिटेशन प्रोग्राम की ट्रेनिंग ले चुके हैं वो भी अत्यधिक संख्या में है। इस कार्यक्रम को सीधे सीधे क्वालिटी सेल में ना लेकर के जब डॉक्टर जयशंकर आए हमारे मध्य तो हमने कहा कि आप इसके लिए लीडरशिप करिए, क्योंकि इस कार्य को केवल कुछ लोगों तक नहीं रोकना है, इस कार्य को बढ़ाने के लिए जितने वर्किंग हैंड मिले तभी इसकी सफलता है, क्योंकि क्वालिटी के मानक सभी के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग में अटेंडेंट, टेक्नीशियन, फ्लेबोटोमिस्ट, डायग्नोस्टिशियंस में, रिसर्चर्स में या किसी अन्य रूप में हो। तो प्रथम फेज में हम 3 डायग्नोस्टिक सर्विसेज जिसमें पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, इनके एक्रेडिटेशन प्रोसेस को लेंगे। एनएबीएल ने अभी जो नए मानक स्थापित किए हैं उसमें रेडियोलॉजी को भी लिया है, उसके अंदर में एंडोक्राइनोलॉजी और जेनेटिक सर्विसेज को भी लिया है। इसको भी हम फेज्ड मैनर में एम्स भोपाल के अंदर लागू करेंगे। तो ये काम स्टेप वाइज मैनर में है और इसको क्रमशः हमको लागू करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायग्नोस्टिक्स के लिए ISO 15189 का प्रारूप है और कोविड के दौरान ऑन साइट ऑनलाइन की प्रक्रिया भी एक्रेडिशन के लिए ली गई और इनकी ट्रेनिंग भी आगे इसी रूप में दी जाएगी। मेरा निदेशक एनएबीएल को एक आग्रह है कि जितने भी संस्थान के डायग्नोस्टिक सर्विसेज अपने अपने SOPs बनाते हैं, उस SOPs में एक एसेंशियल क्राइटेरिया वर्डिंग का टेम्पलेट वो सभी को सर्कुलेट कर, इसके अलावा कुछ एक मशीन स्पेसिफिक SOPs रहती है जिसको केवल इंसर्ट किया जाना चाहिए। इसका लाभ क्या होगा कि हम जब आएंगे एनएबीएल एसेसर की तरह तो कम से कम नॉन कंफॉर्मिटीज रेस करेंगे, गैप एनालिसिस मिनिमल होंगी और एक्रेडिशन प्रोसेस को स्मूथन और फास्टन किया जा सकता है।